मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज गिवन द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 क्यूब मीटर, यानी कि हमारे पास एक मकाब का वॉल्यूम दिया हुआ है, हुजम दिया हुआ है 729 मकाब मीटर। वट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब, तो इस मकाब की एक साइड की लंबाई क्या होगी। हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और हमने मकाब के यानी कि क्यूब के साइड की लंबाई लेंथ मालूम करनी है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट एक बार फिर से रीड कर लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 729 क्यूबिक मीटर। एक क्यूब है, उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 729 क्यूबिक मीटर। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ द क्यूब, क्यूब की एक साइड की लेंथ क्या होगी। एक मकाब का हुजम 729 मकाब मीटर है, मकाब के एक किनारे की लंबाई क्या होगी। यानी कि हमारे पास वॉल्यूम हुजम गिवन है और हमने उसकी एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम वो चीज़ लिखते हैं जो चीज़ हमें गिवन होती है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब 729 क्यूबिक मीटर। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब आप लिखेंगे यानी कि मकाब का हुजम, वॉल्यूम हुजम को कहते हैं, और वॉल्यूम को वी से डिनोट किया जाता है। ये हमें दिया हुआ है 729 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ पे 729 क्यूबिक मीटर लिख लेंगे। इसके बाद अब चलते हैं हम दूसरी साइड पर कि क्या चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब यानी कि मकाब के किनारे की लंबाई उसने कहा है मालूम करनी है। तो लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब, इसको लेंथ को एल से डिनोट किया जाता है। एल हमने लेंथ यानी कि फाइंड करनी है। अब लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब यानी कि मकाब के किनारे की लंबाई, लेंथ ये कैसे फाइंड की जाती है। हम यहां पर लिखेंगे वॉल्यूम और उसका क्यूब रूट। अब समझने वाली बात यह है कि वॉल्यूम का क्यूब रूट हम किस लिए लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम हमारे पास जिस चीज का भी होगा वो क्यूब की शक्ल में होगा, यानी कि उसके अंदर क्यूबिक पावर मौजूद होगी। इसलिए हम उसका क्यूब खत्म करने के लिए क्यूब रूट लेते हैं, ताकि क्यूब पावर जो है वो क्यूब रूट से कैंसिल हो जाए, कट जाएगी, और हमारे पास सिंपल मीटर या सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। क्योंकि लेंथ जो होती है हमारे पास वो स्क्वायर मीटर या क्यूबिक मीटर में नहीं आ सकती, सिंपल मीटर या सेंटीमीटर एटसेट्रा इनमें होगी। तो लिहाजा हमें इसका क्यूब खत्म करना होता है। तो क्यूब कैसे खत्म किया जाता है, क्यूबिक रूट से। तो वॉल्यूम का हम क्यूब रूट लेते होते हैं। अब वॉल्यूम हमें गिवन है ये 729 क्यूबिक मीटर, यहाँ हम इसका 729 क्यूबिक मीटर और इसका क्यूब रूट यानी कि जजरुल मकाब ले लेंगे। अब इसको सॉल्व करने का तरीका हम पहले भी इसी पैटर्न से हम काफी सवाल कर चुके हैं। तो हमने जो अंदर गिवन हमें वॉल्यूम है, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है यानी कि मुफरी तजी करनी है। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 729। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसको किस पे डिवाइड करना है। सबसे पहले टू नंबर हमारे माइंड में आता है, तो टू पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसका लास्ट यूनिट यानी कि इकाई का नंबर जो है वो 9 है, आड नंबर है, ताक अदद है, टू पर डिवाइड नहीं होगा। इसलिए अब हम इसे 3 पर चेक करेंगे। तो 3 पर चेक करने के लिए पहले हम इसको सम अप करके देखते हैं, यानी कि 7 प्लस 2 प्लस 9 7 प्लस 2 9 9 प्लस 9 18 18, जो इसका सम अप मजमुआ आया है वो 3 पर डिवाइड हो जाता है। लिहाजा ये पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसको 3 पर डिवाइड करने लगे हैं। यहाँ पे 7 है, 3 2 6, 3 2 6, 7 में से 6 माइनस करें 1 आएगा, 1 के साथ 2 मिला है 12 हो गया। तो 3 4 12, 3 4 12। अब यहाँ पे 9 है आगे नेक्स्ट, तो 3 3 9, 3 3 9 बनेगा नेक्स्ट। फिर ये 3 पर डिवाइड होगा, कैसे पता चला, मैंने इसको फिर से सम अप किया, 2 प्लस 4 6 6 प्लस 3 9 9, 3 पर डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो जाएगा। लिहाजा इसको 3 पर डिवाइड अगेन करेंगे। 2 क्योंकि स्मॉलर नंबर है, 3 पर डिवाइड नहीं होता, इसके साथ हम 4 मिलाएंगे तो 24 बन जाएगा, 3 8 24, 3 8 24,
और आगे 3 है तो 3 वंस दा 3 3 एकम 3। इसके बाद फिर दोबारा हम इसको 3 पर डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि इसका सम नजर आ रहा है 8 प्लस 1 9, तो 9 3 पर डिवाइड होता है लिहाजा इसे 3 पर डिवाइड कर देंगे। 3 2 द 6, अगर हम 3 पे करेंगे 3 3 इज द 9 बनेगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा लिहाजा 2 पर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 2 द 6 बनेगा, 8 में से 6 माइनस किया तो 2 रिमाइंडर है, 2 के साथ 1 मिला है तो 21, 3 7 द 21, 3 7 21। इसके बाद अगेन 3 पर डिवाइड होता है, हमें 3 का टेबल है याद है इसके अंदर 27 आता है 27 आता है तो 3 9 द 27, 3 और 27, अगेन 3 पर डिवाइड होता है 9, 3 3 इज द 9, अगेन 3 पर डिवाइड होता है 3 वंस द 3, एंड में हमने 1 तक बनाना होता है तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 टाइम्स हमारे पास 3 आया। हम इसको यहां पर सेम एज इट इज लिखेंगे मल्टीप्लाई करके 3 मल्टीप्लाई बाय 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 3 1 2 3 4 5 6। अब यहां तक हमने इसको लिख लिया है और हमारे पास ये क्यूबिक मीटर भी इसके अंदर मौजूद है तो क्यूबिक मीटर भी यहां पर लिखेंगे और इसके ऊपर क्यूब रूट लगाएंगे। अब हम 3 3 के पेयर्स बनाएंगे ताकि इसे 3 की पावर में लिख सके। ये देखें 3 3 टाइम्स और ये अगेन 3 3 टाइम्स, यहां पे 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे भी 3 की पावर 3 बन जाएगी मल्टीप्लाई, साथ में क्यूबिक मीटर है मल्टीप्लाई लिख लें या वैसे लिख लें साथ में, और ऊपर इसके क्यूब रूट लिखा जाएगा। अब चूंकि ये तीनों का क्यूब रूट है लिहाजा हम अलग अलग इनका क्यूब रूट लिख सकते हैं, 3 पावर 3 क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू 3 यानी कि 3 की पावर 3 और इसका क्यूब रूट जजरुल मकाब मल्टीप्लाई बाय। अब यहां पर हमारे पास क्यूबिक मीटर है तो इसका भी क्योंकि क्यूब रूट है इसका भी अलग से हम क्यूब रूट जजरुल मकाब लिखेंगे। अब ये क्यूब रूट्स क्यूब से कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि क्यूब रूट की पावर अगर इसकी रूट खत्म करें तो 1 बाय 3 होती है और 1 बाय 3 3 से कट जाएगा लिहाजा क्यूब रूट क्यूब से कट जाता है। अब हमारे पास जो बचा है वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय एम यानी के मीटर्स। अब यहाँ पे 3 3 इज द 9 और साथ में एम मीटर वाला आ गया, यही हमारा आंसर है। ये हमने 9 मीटर लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब यानी के मकाब के किनारे की लंबाई निकाली है। आज हमने एक्सरसाइज 1.11 क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व किया है जिसके अंदर हमें क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन था और इस वॉल्यूम की मदद से हमने क्यूब की साइड की लेंथ फाइंड करनी थी। मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।